वेलकम बैक गाइस, दिस इज जी टू विलेजर्स। और कहाँ आए हैं भाई गौतम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज हम गांव के किले में आए हैं। गांव वालों का मानना है यहां पर अलग अलग आवाज़ें आती हैं, बुरी आत्मा का वास है, और आज इस किले का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इस किले की स्थापना राव रतन ने की थी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। पुराने टाइम ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बट आज के टाइम में खंडर बन चुका है। हमारे गांव के किले के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यार, ये वाला साइड जो किले का है ये पूरा एकदम जर्जर हो चुका है, एकदम मतलब पुराना है काफी। तो पुराना रिस्क ले रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हम आपको पूरे किले का टूर दे सके और व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। तो गाइज, ये मतलब नया वाला किले की साइड है जो कि यहाँ पे निर्माण कराया गया है अभी हाल ही के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े दिनों में टूरिस्ट वगैरह आने चालू हो जाएंगे। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये किला, महाराजा गंगा सिंह जी के पुत्र का ही था ये किला, जिसका नाम था मालागढ़। गाइस काफी रिस्की था यार यहाँ तक पहुँचना, और इस दीवार से हम आए, देखिए पत्थर यार पूरे एकदम, कोई सपोर्ट नहीं है इनका, और आप लोगों के लिए सिर्फ रिस्क लेके हम यहाँ तक आए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो पुरानी खाट वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई है जलाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम महाजन किले के काफी अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे गांव वालों का माना गया है कि रात को काफ़ी हलचल होती है और अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। ये सबकी अलग अलग धारणा है, अभी इसमें सच्चाई क्या है तो हम बता नहीं सकते, बट जो यहाँ पे एक्चुअल हो रहा है वो आपको जरूर दिखा सकते हैं। जैसे आवाज़ भी यहाँ पे आ रही है, शायद आप सुनोगे तो आपको भी सुनाई देगा। तो गाइज यार, यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ है, ये देखिए। काफ़ी अमेजिंग व्यू है मतलब, और ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है ना, कोई ऊपर आने का रास्ता। काफ़ी संकरी सीढ़ियाँ यहाँ पे, और तो यार काफ़ी छोटा रास्ता है दोस्तों, और मतलब जाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है यार। चमगादड़ों का भी काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि पुराना किला है, जर्जर होती है एकदम। और ये देखिए, ये देखिए जिस रास्ते से हम आए थे, अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं। ओ भाई आराम से भाई। ये देखिए गाइस, पूरा एकदम देखिए एकदम मतलब यार काफी गहरा गड्ढा है। अभी मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, वो काफ़ी रिस्की था यहाँ पे शाम के समय, और हमें नहीं पता रात के समय यहाँ पे किस टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। गांव वालों की बातों पर हमने थोड़ा सा विश्वास जताया है, बाकी मुझे बिलीव नहीं है इन कहानियों पर। वो तो आप क्या, आपकी क्या बात तो सही है, बट थोड़ा बहुत लग रहा है अलग सी वाइब आ रही है यहाँ पे, जब से हम आए थोड़ा बहुत अलग सा एक्टिविटी लग रही है, कुछ थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है यार, मतलब कि उतना भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। वैसे बाकी यार यहाँ पे बैट्स की बहुत ज्यादा तादाद में है, भरमार है बैट्स की एकदम किले के अंदर। तो ये हमारे साथ के जो जिसने हमारे यहाँ पे आने में मदद की, और यहाँ पे इतने रास्ते हैं, कौन सा रास्ता कहाँ से निकलता है कुछ भी आइडिया नहीं है, बस इसने हमको बताया यहाँ पर आने का रास्ता, और ऊपर भी जाएंगे ठीक है, और बाकी सब हमारा भाई आपको बताएगा कैसा लग रहा है यहाँ का भाई। हाँ जी दोस्तों, ऊपर तो आ गए हैं, जो भी रास्ता यहाँ पे आए हैं उन्हें भाई ने बताया,
भाई ने काफी हेल्प की हमारे यहाँ पे आने की, और एक एक रास्ता ही जानता था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक सीक्रेट कमरा भी है जहाँ में पुराने टाइम में राजा मनोरंजन के लिए आते थे, सभा बैठी जाती थी। पर अभी देख सकते हैं कंडीशन, देखिए यार गाइस, मतलब ये देखिए अभी अभी डिजाइन वगैरह पड़े हैं छत के ऊपर काफी, और ये कमरा, इसके अंदर एक सीक्रेट रूम्स भी है यहाँ पे, मतलब नीचे गुफाएं हैं यार, मतलब कहाँ जाती है ये पता नहीं। ये देखिए तस्वीरें वगैरह लगी हुई है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ के जो मेनली राजा थे तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, और उनके मरने के बाद उनके जो राजपूत वंश के जो बचे हुए लोग थे, गाँव में काफ़ी खौफ था उनका। तो ये बात तो रियल है, मतलब यार हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि वो गांव में मतलब काफ़ी आदमियों को मार दिया करते थे तलवारें लेके, और यहाँ पे पड़ी भी एंटीकनेस में उनकी तलवारें वगैरह। और राजा की मृत्यु के बाद उनके वंशज जो थे उन लोगों ने उनका सारा सोना और जितना भी गढ़ के अंदर कीमती सामान था वो बेच के वो खा गए थे। तो उसके बाद से ये गढ़ जर्जर पड़ा है ऐसे ही, और इसकी मरम्मत मतलब राजपूत खानदान के बीकानेर के जो वंशज हैं यहाँ के, उन्होंने यहाँ के करवाया, जो कि यहाँ के राजा के चचेरे भाई लगते थे शायद।